नमस्कार, मैं हूं सकरवार सुमंत और आप देख रहे हैं बेखौफ आज तक। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे अस्पताल को प्रशासन ने किया सील। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त होने के बाद भी किया जा रहा था इलाज। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने की छापेमारी, चिकित्सक फरार। खबर जनपद गाजीपुर के सेवराई तहसील क्षेत्र से है, जहां दिलदार नगर स्थित आदित्य हॉस्पिटल में इलाज के दौरान जच्चा बच्चा के मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने रजिस्ट्रेशन निरस्त करने के बाद भी अस्पताल चल रहे था जिसको सील कर दिया। अवैध अस्पताल पर मंगलवार को अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी भदौरा धनंजय आनंद और नायब तहसीलदार पंकज कुमार ने कार्रवाई की, जिसके बाद अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। बता दें कि विगत 25 जुलाई की रात्रि त्रिलोकपुर के एक मरीज के प्रसव के दौरान आदित्य हॉस्पिटल में जच्चा और बच्चा की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजन अस्पताल पर जमकर हंगामा के। स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने परिजनों ने जांच की कार्रवाई की मांग किया था, जिसके बाद जांच में आदित्य हॉस्पिटल दोषी पाया गया और उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। जांच में दोषी पाए जाने के बाद बीते 9 सितंबर को ही अस्पताल का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया था। बावजूद इसके अस्पताल संचालक द्वारा बेखौफ होकर के अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, जिसके बाद मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा के अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी व नायब तहसीलदार द्वारा छापेमारी कर अस्पताल को सील कर दिया गया। इस संदर्भ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदौरा के अधीक्षक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय आनंद ने क्या कुछ बताया, आइए जाने उन्हीं की जुबानी। आदित्य हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले जच्चा बच्चा का मृत्यु हो गया था, उस क्रम में इनको बार बार नोटिस दिया गया, लेकिन ये कभी नोटिस का नहीं जवाब दिए और ना ही जांच टीम के समक्ष प्रस्तुत हुए। उसी के क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के द्वारा निर्देश दिया गया था कि इस हॉस्पिटल पर औचक निरीक्षण किया जाए। इस हॉस्पिटल का दिनांक 9/9/2024 को जो इनका रजिस्ट्रेशन था वो मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय द्वारा निरस्त कर दिया गया था। और क्या क्या कार्रवाई हुई है? आज इनका हॉस्पिटल अवैध रूप से चलते हुए पाया गया, जिसमें कि दो मरीज, एक का हर्निया का ऑपरेशन और एक मरीज का सिजेरियन ऑपरेशन किया गया था, और इसी के क्रम में आज इस अस्पताल को सील किया जा रहा है नियमानुसार, और जो भी मरीज हैं उनको सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। अपने क्षेत्र के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें बेखौफ आज तक से।